आज का जो टॉपिक का जो पहला हिस्सा है ना वो है फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है ना, तो ये फिजिकल एवेल्युएशन क्या होता है? फिजिकल एवेल्युएशन होती है बेसिकली, ये क्या होती है, एवेल्युएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की जो ना आप इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को की जांच पड़ताल करते हो। मसलन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेक की जाती है? इसमें चेक किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेक होती है। इसमें उसकी सोलबिलिटी चेक होती है। इसमें विस्कोसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको चेक किया जाता है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर चेक किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सोलबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी चेकआउट होती है। अच्छा, ये ज़्यादातर जिन केमिकल्स के लिए फिजिकल एवेल्युएशन जिनकी रिक्वायर होती है उसमें अल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, ये किया जाता है। और इनके अंदर ना इनकी क्वालिटी और इनकी प्योरिटी, ये दो चीज़ें इनके अंदर चेक की जाती है। तो फिजिकल एवेल्युएशन क्या होती है? फिजिकल एवेल्युएशन इज द एवेल्युएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, ये आप ऐसे तरतीब से ये चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर मेंशन करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझाता हूँ कि कैसे आप किसी भी ड्रग की फिजिकल एवेल्युएशन करोगे, कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा। देखो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम चेक करते हैं पहला पॉइंट, दैट इज मॉइस्चर कॉन्टेंट। आपको किसी ड्रग का मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है वो आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, किसकी लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं जनाब स्टार्च की। ठीक है ना, स्टार्च का जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, ये होना चाहिए 15% वेट बाय वेट। ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऐसे ही जो एलोवेरा होता है, एलो उसका होती है 10% वेट बाय वेट। अब आप इसको कैसे मालूम करोगे? जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है स्टार्च का, आपको नहीं पता कि उसमें मॉइस्चर कितना है। आपने ये स्टार्च ले लेना, सबसे पहले आपने सिंपल इसका वेट करना है। आपने इसका वेट किया, वो निकला 10 ग्राम। ठीक है ना, अभी इसमें मॉइस्चर शामिल है, आपने टोटल का वेट कर लिया। या आपके पास जो सैंपल है ना वो 10 ग्राम का स्टार्च है। फिर आपने पता क्या किया, इसको किया हीट, कितने पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको हीट किया। और ऐसा आप कर सकते हो ओवन की मदद से। तो इससे क्या हुआ, इससे ना एवेपोरेट हो गया इसका मॉइस्चर, मॉइस्चर तो सारा उड़ गया। और फिर आपने इसका दोबारा से वेट किया, दोबारा से वेट किया इसका, अब इसका वेट निकला 7 ग्राम्स। 7 ग्राम का मतलब है कि इसमें जो 3 ग्राम था ना, 3 ग्राम वो इसके मॉइस्चर, यानी इसके अंदर जो नमी थी वो इसके मॉइस्चर कंटेंट्स थे, जो कि 10 में बन जाता है 30%, यानी स्टैंडर्ड से ज़्यादा मॉइस्चर था इसके अंदर। तो इस तरीके से ये मालूम किया जाता है। ठीक हो गया, इसी तरीके से आप एक और प्रॉपर्टी भी इसमें मेजर करते हो, वो विस्कोसिटी होती है। ठीक है ना, विस्कोसिटी, जैसे मैं बता देता हूँ स्टैंडर्ड, एक कोई एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जनाब लिक्विड पैराफिन को। ठीक है ना, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिनकी मदद से हम विस्कोसिटी मालूम करते हैं। लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी होती है 64 सेंटीस्टॉक्स, ये यूनिट है विस्कोसिटी का, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर का। ठीक हो गया, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फिक्स होता है, ये स्टैंडर्ड है। फिर उसके ऊपर आप फिजिकल जो है ना वो टेस्ट परफॉर्म करोगे, इसकी विस्कोसिटी बकायदा मेजर करने का तरीके का हम में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो है ना मेल्टिंग पॉइंट में आप एग्जांपल लिख सकते हो बीज वैक्स की। बीज वैक्स एक फैट होती है, ठीक है ना, इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से सोलबिलिटी का भी मैं बता देता हूँ, सोलबिलिटी में एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कैस्टर ऑयल है, आपके नाम सुना होगा, कैस्टर ऑयल जो होता है ना कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, बड़ा मशहूर है। ठीक है, ये इसके 3 वॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहल, यानी 3 गुना अल्कोहल लो तो फिर जो है वो कैस्टर ऑयल जो है ना
उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम अगर आपके पास 1 ml कैस्ट्रोल है तो 3 ml जो है वो आपको अल्कोहल लेना होगा, उसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो आप फिजिकल एवेल्युएशन कर लेते हो। चल आगे चलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज भी फिजिकल एवेल्युएशन में चेक की जाती है कि कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है, विस्कोसिटी कितनी है, वाटर में अगर आप उसको डालोगे तो वो कितना स्वेल करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाया कि फिजिकल एवेल्युएशन कैसे की जाती है, जैसे कि हमने मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करके आपको दिखाया। फिर फिजिकल एवेल्युएशन में कुछ हाई जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, ये भी यूज होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज होते हैं, रेडियो इम्यूनो ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये भी यूज होते हैं। ये कंटेंट सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से मेथड मजीद इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू डिटरमिन द फिजिकल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एवेल्युएशन, ठीक है ना। ये क्या होती है? ये होती है बेटा डिटरमिनेशन। केमिकल एवेल्युएशन क्या होती है? केमिकल एवेल्युएशन होती है एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय केमिकल टेस्ट, कि आप ना केमिकल टेस्ट परफॉर्म करें और उस केमिकल टेस्ट की मदद से ड्रग को एवेल्युएट करें। अगेन इसमें एवेल्युएट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जाती है, ठीक है ना। तो इस बिहाफ पे ये दो तरह का होता है, इस बिहाफ पे ना ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। केमिकल एवेल्युएशन दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर बेटा सिर्फ देखा जाता है कि कोई केमिकल है या नहीं है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, कि कोई चीज है या नहीं है, ये होती है बेसिकली जो है मतलब क्वालिटेटिव, कोई चीज है या नहीं है। और क्वांटिटेटिव में होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चीज मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में है, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब वो 5% है, 10% है, कितनी क्वांटिटी है, तो ये उसकी केमिकल एवेल्युएशन में आ जाता है। अच्छा चल, अब ये केमिकल एवेल्युएशन में डिफरेंट क्लास ऑफ केमिकल जो है ना वो एवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे उसमें भी बताया था कि आप अल्कलाइड पे भी की भी केमिकल एवेल्युएशन करते हो, अमीनो एसिड की भी करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिंस, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, इन सब की जो है वो केमिकल एवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका भी पता होना चाहिए कि ये केमिकल एवेल्युएशन कैसे की जाती है। चले मैं छोटा सा इसको कॉन्सेप्टली थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। देखो केमिकल एवेल्युएशन में ना, जस्ट फॉर एग्जांपल ये केमिकल एवेल्युएशन करनी है आपने, ठीक है, आपको ना एक ड्रग दी जाती है, ड्रग का सैंपल दिया जा रहा है आपको ना, जैसे हमने स्टार्च का सैंपल लिया, ये एक ड्रग का सैंपल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप इसकी कैसे केमिकल एवेल्युएशन करेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। आप ड्रग जस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी ड्रग, टैनिन क्लास की ड्रग है, टैनिन है, ठीक है, टैनिन्स है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे इसको एवेल्युएट करोगे? देखो बेटा, सबसे पहले ना इसके दो मेथड होते हैं। पहला तरीका इसकी सबसे पहले होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, आप डिफरेंट कैटेगरी के सॉल्वेंट को के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ना ये इम्प्योर होती है, इम्प्योर होती है, कोई भी ड्रग है ना वो इम्प्योर, क्रूड ड्रग होती इम्प्योर है, तो आप उसकी करोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप पहले उसको हल करोगे। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल आप ना, मैं आपको कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल्स देता हूं। आप ले रहे हो हेक्सेन, आप तरतीब से डिसॉल्व कर रहे हो। दूसरे नंबर पे आप ले रहे हो क्लोरोफॉर्म, आपने क्लोरोफॉर्म लिया। तीसरे नंबर पर आप ले रहे हो जस्ट फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट। चौथे नंबर पर आपने लिया एसीटोन। पांचवें नंबर पर आपने लिया अल्कोहल, ठीक है। छठे नंबर पर आपने लिया वाटर। ये आपने किस तरह से ये लिक्विड को अरेंज किया, ये अरेंज किया अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, ये है नॉन पोलर, हाईली नॉन पोलर, इंतहाई नॉन पोलर, फिर ये उससे लेस नॉन पोलर, ये तरतीब बनाई है आपने, और ये हाई पोलर है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पोलैरिटी होती है। क्योंकि ये तरतीब से देखना, आपने ये क्रूड ड्रग इसमें आपने पता क्या किया, पहले
आपने एक जो है ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ना वो आप ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेपरेटिंग फनल उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे ठीक है ना। अब चले मैं इसको ना थोड़ी सी स्पेस लेके दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या भला और इसको केमिकल एवेल्युएशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो जस्ट फॉर एग्जांपल ना ये एक सेपरेटिंग फनल है ठीक है ना, ये और यहाँ पे एक नोजल लगा होता है ठीक है ना, यहाँ पे एक क्लिप लगा होता है ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। ये कंटेनर है, आपने अपनी ड्रग इसमें डाली, आपने पहले डाला हेक्सेन ठीक है ना, पहले वाला पहला केमिकल डाला हेक्सेन, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यानी हेक्सेन डाल दिया ड्रग। अब ये इम्प्योर है, इसके अंदर ना फर्ज कर लें जनाब ए बी सी डी ई और एफ इम्प्योरिटीज हैं, मतलब बहुत सारे कंटेंट्स हैं इसके अंदर हल है। तो क्या होगा, आपने हेक्सेन डाला, हेक्सेन के डालने से जो ए है वो इसमें आ गया, हेक्सेन के अंदर हल हो गए। फिर आपने जो है बेटा नंबर टू डाला यानी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के डालने से सी इसमें आ गया, इसके अंदर हल हो गया ठीक है ना, यानी सी जो है ना वो क्लोरोफॉर्म में हल होता है। इसी तरीके से आपने नंबर तीन यानी इथाइल एसीटेट डाला, इथाइल एसीटेट से एफ इसमें आ गया। तो हर एक इंग्रेडिएंट जो है ना बेटा वो एक मखसूस लिक्विड में हल होगा। तो इस तरीके से इस लिक्विड की मदद से आप डिफरेंट इम्प्योरिटीज डिफरेंट